आज मैं आपको पुरानी से पुरानी कब्ज है या फिर कब्ज की वजह से आपको पाइल्स, फिशर, फेस्टुला जैसी बीमारी है तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव से एक रेमेडी देने जा रही हूँ। इस रेमेडी को बताए गए अनुसार अगर आप करेंगे तो बहुत ही पुरानी अगर कब्ज है, बहुत सालों से आप उससे परेशान हैं, तो आपकी कब्ज की समस्या तो दूर हो ही जाएगी। साथ साथ अगर आपको कब्ज की वजह से पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की बीमारी है तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और बहुत ही जल्दी आप इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। बस आपको ये जो चूर्ण हम आपको बता रहे हैं इसको दही में किस तरह से डाल के खाएंगे और कितनी बार खाना है, किस तरह से सेवन करना है, इसे पूरा वीडियो ध्यान से देखिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम बताते हैं। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है यानी घंटी का बटन उसको दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो देखिए उसके लिए हमें लेना है दही। दही जैसा कि आप जानते हैं कि दही रोगों को दूर करता है, कई सारे रोगों को हम सिर्फ दही के इलाज से ही ठीक कर सकते हैं। दही जो होती है इसकी तासीर ठंडी होती है, इसमें लाभदायक बैक्टीरिया बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जिस वजह से पेट से जुड़े संबंधित कई सारी बीमारियों को बहुत ही आसानी से दूर करता है। पेट से जुड़े हुए जो बीमारी होती है उसको आसानी से इसलिए दूर करता है क्योंकि इसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं जो पेट में जाके बैड बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं और पेट में हमारे अच्छे बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है जिससे जो बीमारियाँ होती हैं दूर होती हैं। आयुर्वेद की अगर हम माने तो दही के जो पानी होता है ये लघु पाचन शक्ति बढ़ाने वाला होता है यानी कब्ज को दूर करने वाला इसमें गुड़ होता है। तो दही का जो ऊपरी पानी होता है जब हम देखते हैं तो दही जो जम जाता है उसमें कुछ ऊपर पानी आ जाता है, उस पानी को आपको जरूर सेवन करना चाहिए। दही की मलाई जो होती है ऊपर से जो ऊपरी पर्त होता है मलाई का, उसको खाने से जो पाइल्स होती है ब्लीडिंग वाली पाइल्स में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अगर आप दही की ऊपरी पर्त जो मलाई होता है उसको आप डेली खाया करिए तो अगर आपको ब्लीडिंग वाली पाइल्स से समस्या है तो आपकी तुरंत ही बंद हो जाएगी। उसमें थोड़े से प्याज के टुकड़े जरूर डालिए, इससे ब्लीडिंग वाली पाइल्स की आपको तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। आप इसे 2 से 3 दिन में ही आपको आराम हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं कि ये जो दही है हम इसको किस तरह से सेवन करें कि पुरानी से पुरानी कब्ज, पाइल्स, फिशर, फेस्टुला जैसी बीमारी को भी हम दूर कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम दही ले रहे हैं। दही देखिए बहुत गाढ़ी दही आपको नहीं यूज़ करनी है। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ी है दही तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से हम 2 कटोरी दही ले रहे हैं। तो इस तरह से दही लेने के बाद आप दूसरी चीज़ देखिए जो हम पाइल्स, फिशर, फेस्टुला की बीमारी को दूर करता है और कब्ज को दूर करता है वो है यहाँ पे हम लेंगे अजवाइन। और यहाँ पे टेस्ट के लिए आप देखिए सेंधा नमक हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आप सादा नमक के बजाय सेंधा नमक या फिर काला नमक ही यूज़ किया करिए, वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे हम सेंधा नमक डालने जा रहे हैं। स्वाद के अनुसार आप अपने पसंद के हिसाब से काला नमक या सेंधा नमक इसमें ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1/2 चम्मच के करीब हम सेंधा नमक डाल रहे हैं। सेंधा नमक डालने के बाद दूसरी चीज़ जो इसमें हम डालेंगे वो है अजवाइन। अजवाइन को अगर दही में डाल के खाया जाए तो पाइल्स और फिशर फेस्टुला जैसी बीमारी भी दूर होती है क्योंकि ये अजवाइन जब दही में जाता है तो इसकी जो असर होती है ये पुराने से पुराने कब्ज को भी ख़त्म करता है। तो आपको अजवाइन कैसे लेनी है, देखिए अजवाइन जो है इसको हल्का सा हमें ड्राई रोस्ट करना होता है, इसे बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, आधा कच्चा आधा भुना हुआ होना चाहिए। यानी 1 मिनट के लिए आप तवे पर रखिए, हल्का सा ड्राई रोस्ट हो जाए। बस इसको हमें बना लेना है पाउडर। इस पाउडर को अगर आप दही में डाल के या फिर छाछ में डाल के इसका 1 चम्मच अगर आप डेली खाते हैं, सुबह जब ब्रेकफास्ट करते हैं उस टाइम पे आप ज़रूर से इसका सेवन किया करिए। आप इसे लगातार करके देखिए 1 हफ्ते के अंदर आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए इसका पाउडर बना के रख लिए हैं। तो इसे रोस्ट करने के बाद इस तरह से मिक्सी के जार में पीसेंगे तो बारीक सा इस तरह पाउडर बन के तैयार हो जाता है। आप इसे हमेशा अपने पास रखा करिए। अगर आप पाइल्स, फिशर, फेस्टुला और कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं तो आपको ये पाउडर हमेशा अपने पास रखना चाहिए। आप कोई भी चीज़ खाते हैं, सैलड खाते हैं तो उसमें भी इसको डाल लिया करिए। ये अजवाइन आपकी इन बीमारियों को दूर करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इस तरह से देखिए 1 चम्मच आपको दही में डालना है ये जो हम बना रहे हैं। तो अगर इसको आप रायते के फॉर्म में बना सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो देंगे कि बहुत ही टेस्टी सा हेल्दी सा रायता हम कैसे बना के खाएँ। उस रायते को खाएंगे आप सिर्फ 2 ही 3 दिन में उस रायते को खाएंगे तो आपकी कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो हम आपको बहुत ही जल्द देने वाले हैं। तो देखिए जो अजवाइन का ये पाउडर बन के तैयार हो गया है,
इसको हम दही में ऐड कर देंगे। जो दही हमारा बन के तैयार है उसमें हम ऐड करेंगे, या फिर अगर आप छाछ पीते हैं, लस्सी पीते हैं, तो उसमें भी आप इस तरह से एक चम्मच ये अजवाइन का पाउडर ऐड किया करिए। देखिए एक चम्मच ही लेना है, इसे ज़्यादा ऐसे कम नहीं लेना। इस तरह से देखिए जब आप इसको एकदम बिल्कुल इक्वल कर देंगे तो ये 1 टीस्पून बन के तैयार हो जाता है, यानी एक छोटा चम्मच इस तरह से तैयार हो गया। तो आपको जैसे हमने 2 कटोरी दही ली है, तो 2 कटोरी में इस तरह से 1 चम्मच आप ये अजवाइन का पाउडर डाल देंगे। बस ये हमारा, यही हमारी बहुत ही बढ़िया सी रामबाण दवा है आपके कब्ज को, पुराने से पुराने कब्ज को भी दूर करने के लिए। तो ये दही है देखिए, इसमें हम इसको डाल दिए, नमक हमने पहले ही डाल दिया है। अगर आपको ये अजवाइन जो होता है इसका टेस्ट जो होता है कुछ बेटर होता, कड़वा होता है, आपको खाने में अच्छा ना लगे, तो आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार चीनी ऐड कर लीजिए। पाइल्स फिशर फेस्टुला के पेशेंट हैं, कॉन्स्टिपेशन पेशेंट हैं, तो आप इसमें शुगर पाउडर चीनी को पीस लीजिए, उसका पाउडर यहाँ पे 1 से 2 चम्मच ऐड कर सकते हैं आराम से अपने स्वाद के अनुसार। तो इसको जब ऐड कर देंगे तो बहुत ही टेस्टी सा आपका ड्रिंक बन के तैयार हो जाएगा। या फिर आप छाछ ले रहे हैं उसमें भी ये पाउडर डाल दीजिए, लस्सी बना के पी रहे हैं तो उसमें भी ये पाउडर डाल दीजिए। बस आपको ये अजवाइन का पाउडर ही दही के साथ यूज़ करना है। दही अजवाइन का जो ये कॉम्बिनेशन बनता है ये पुरानी से पुरानी कब्ज को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। इसे आप रेगुलर लेंगे, ये नहीं कितने दिन ले रहे हैं, अगर आप इसे 1 हफ्ते लगातार अपने लंच में यानी ब्रेकफास्ट में लीजिए, लंच में लीजिए, इसको आपको दिन में 3 बार कम से कम लेना है, क्योंकि विंटर सीजन है तो रात में इसे ना लीजिए, सुबह के टाइम पे आप ब्रेकफास्ट के समय पे लीजिए, फिर लंच करते हैं उस टाइम पे लीजिए, और एक बार फिर 3 से 4 बजे के बीच में एक बार इस तरह से 1 गिलास आप पी के देखिए। 3 दिन आप पियेंगे, आपकी पूरी समस्या जो कॉन्स्टिपेशन की है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। साथ साथ जैसे हमने बताया है कब्ज के वजह से ही बीमारी होती है पाइल्स फिशर फेस्टुला की, तो वो बीमारी भी आपकी दूर हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से 1 ग्लास लस्सी बना लीजिए, उसमें भी लीजिए, तो इस तरह से लस्सी भी बनी हुई है, इसमें चीनी पड़ा हुआ मीठा है, इसमें भी इस तरह से आप ऐड करके पाउडर को पीजिए। तो आप जैसे भी पी सकते हैं, बस आपको अजवाइन और दही का कॉम्बिनेशन बनाना है, उसे छाछ के साथ, लस्सी के साथ या फिर दही के साथ। आप इसको करके देखें, आपको इससे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही बढ़िया आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा अगर आपने इसे यूज़ किया, तो अगर आपने हफ्ते भर यूज़ किया तो आपको इसका कैसा रिजल्ट मिला, क्योंकि हफ्ते भर में आपकी सारी समस्या, आपकी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो जाएगी। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स फिशर फेस्टुला जैसे बीमारी से बहुत परेशान है, उनकी हेल्प करेंगे। और वीडियो पसंद आई है तो अपने लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक जो होते हैं हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।